पृथ्वी इनोवेशन एवं अन्य संस्थानों ने झूलेलाल पार्क में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित भूमि विसर्जन कार्यक्रम के तहत झूलेलाल पार्क गोमती तट पर विसर्जन के दौरान होने वाली भीड़ से उन 900 से अधिक छोटे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जिन्हें जुलाई में वन महोत्सव से अभी तक पृथ्वी इनोवेशन द्वारा लगाया गया था। विसर्जन हेतु खोदे गए गड्ढों से जो क्षति हुई थी उससे शेष पौधों को बचाने के इस प्रयास में संस्था को वन विभाग के डॉक्टर रवि कुमार साथ ही साथ नगर निगम लखनऊ द्वारा कृत्रिम जलाशय और मूर्ति विसर्जन हेतु बनाए गए गड्ढों में कोई भी प्लास्टिक पॉलिथीन या नॉन बायोडीजल चीजें भूमि को प्रदूषित ना करें, जिसमें डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी, ग्रीन पिस्टन्स राइडर क्लब के जितेंद्र, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन इंडिया शाने अवध इकाई के सचिव पंकज श्रीवास्तव, पीआरओ भूषण अग्रवाल के ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें भूमि विसर्जन हेतु आग्रह एवं मदद की। झूलेलाल वाटिका में एक भी मूर्ति का गोमती नदी में विसर्जन नहीं किया गया, जिससे नगर निगम और लखनऊ प्रशासन की भूमिका रही। संस्था के संयुक्त आह्वान से लोगों को इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन एवं प्लास्टिक के कम प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया। इससे आने वाले समय में सुरक्षित भूमि मूर्ति विसर्जन हो सके और सुरक्षित पर्यावरण भी संभव हो सके।